गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम SY BCom सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 2 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अक्टूबर 2023 की ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं एक लिक्विडेशन का प्रॉब्लम और एक एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम कवर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी जो वीडियोस है, टॉपिक्स है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारे चैनल पर अकाउंटिंग के सभी जो सब्जेक्ट है, मतलब FY फर्स्ट ईयर से लेकर तो MCom तक, MBA तक, सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। कॉस्टिंग के सभी सब्जेक्ट और टॉपिक्स अवेलेबल है, एंड टैक्सेशन के भी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। फिरोज लिमिटेड अहमदाबाद एग्री टू एक्वायर बिजनेस ऑफ प्रिज्म लिमिटेड दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2023, और बैलेंस शीट भी हमें दिया गया है 2023 का। तो यहाँ पर बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है, उसमें ऑथराइज कैपिटल है 18 लाख का, देन एसेट साइड में गुडविल है 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000, स्टॉक है 3,60,36,000, देन लाइबिलिटी साइड में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप कैपिटल 12 लाख का, जनरल रिजर्व 3,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस 2,20,000, डिबेंचर जो सिक्योर्ड है 2 लाख के, एंड सन्डे क्रेडिटर्स है 40,000। अगेन एसेट साइड में सन्डे क्रेडिटर्स से 72,000, कैश इन हैंड है 12,000, कैश एट बैंक है 1 लाख। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर से हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना होता है। तो सेम ऐसा ही प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो चेंज की गई है, बाकी की सभी जो एडजस्टमेंट्स वगैरह है वो सेम है। तो परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर बताया गया है, कैश पेमेंट ऑफ ₹2.50 पर शेयर इन प्रिज्म लिमिटेड, एक शेयर के लिए ₹2.50 की कैश मिलेगी। तो यहाँ पर हमें शेयर की जो फिगर है वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए शेयर कितने हैं, 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 2.50 इतनी कैश पेमेंट मिलेगी। देन इशू ऑफ 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन फिरोज लिमिटेड एट 15 पर शेयर। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये जो शेयर्स है वो 1,80,000 शेयर्स है वो प्रिज्म लिमिटेड के मिलेंगे। तो 15 पर शेयर, मतलब 1,80,000 इंटू 15 करेंगे हम, तो जितनी अमाउंट आएंगे उतनी शेयर्स में मिलेगी। देन इशू ऑफ 2,500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 96 पर शेयर। तो 2,500 इंटू 96 इतनी अमाउंट डिबेंचर में मिलेगी। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर आगे कुछ बताया गया है, आगे क्या है, देखिए पर शेयर 2 रिडीम। तो 2,500 8% के डिबेंचर जो है 100 का एक है, वो 96 पर डिबेंचर इशू होंगे टू रिडीम 6% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो उसका रिडम्पशन जो है वो 20% प्रीमियम से होने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन हमें परचेस कंसिडरेशन में भी करना है, और जो 96 बताया गया है मतलब 4% डिस्काउंट, उसका कैलकुलेशन जर्नल एंट्री में होगा, जो ओपनिंग एंट्रीज होगी उसमें होगा। यहाँ पर एसेट्स का वैल्यूएशन दिया गया है। जो एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख, स्टॉक 2,84,000, डेटर्स वैल्यूड आफ्टर प्रोवाइडिंग 5% RDD, मतलब डेटर्स में से 5% RDD लेस करनी है। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन यहाँ पर दी गई है 10,000, और हमें परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट निकालना है, लेजर अकाउंट निकालने हैं, एंड जर्नल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर हमें जो बैलेंस शीट दिया गया है, सॉरी वो प्रिज्म का है, और जो न्यू कंपनी है वो है फिरोज लिमिटेड। फिरोज लिमिटेड ने बिजनेस एक्वायर किया है प्रिज्म लिमिटेड का। तो ओल्ड कंपनी प्रिज्म है, मतलब हमें लेजर अकाउंट प्रिज्म के
बुक में निकालने पड़ेंगे, और न्यू कंपनी फिरोज लिमिटेड है तो ओपनिंग एंट्रीज हमें फिरोज के बुक में करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम परचेस कंसिडरेशन का जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए हमने इस तरह से स्टेटमेंट तैयार किया है परचेस कंसिडरेशन का। तो ऊपर लिख दीजिए परचेस कंसिडरेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। यहाँ पर हम नेट एसेट एंड डिबेंचर इस तरह से दो साइड तैयार करते हैं। नेट एसेट में हम जो एसेट्स की फिगर्स होती है एडजस्टमेंट की वो लेते हैं। यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख है, स्टॉक 2,84,000 है, डेटर्स में से हमें 5% आरडीडी लेस करनी है। तो हमने इस तरह से एसेट ली, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख, स्टॉक 2,84,000, डेटर्स 72,000 है, उसमें से 3,600 आरडीडी माइनस की 5%, तो डेटर्स आए 68,400, कैश है 12,000 एंड कैश एट बैंक है 1 लाख। ठीक है, ये दोनों फिगर जो है वो कोई चेंज नहीं हुई है कैश एंड बैंक की, तो हमने एज इट इज ले ली है। तो बैलेंस शीट में से हमने वो अमाउंट ली है। अभी लायबिलिटी में से हमें क्या लेस करना है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स है 40,000 के, तो क्रेडिटर्स हम माइनस करेंगे, यहाँ पर लेस क्रेडिटर्स 40,000। तो यहाँ पर अमाउंट आई है 2 लाख, सॉरी 28,24,400। अभी हम डिस्चार्ज साइड तैयार करेंगे। तो डिस्चार्ज साइड के लिए पहले हमें ये जो पीसी की एडजस्टमेंट है वो देखनी पड़ेगी परचेस कंसिडरेशन की। तो कैश पेमेंट 2.50 है पर शेयर, तो शेयर की जो नंबर्स है वो है 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 2.50 किया तो अमाउंट के कॉलम में आई 3 लाख। नेक्स्ट हमें इक्विटी शेयर मिले हैं 1,80,000, वो डायरेक्टली हमें एडजस्टमेंट में दिए गए हैं। 1,80,000 इंटू 15 किए क्योंकि 10 रुपीज का शेयर है वो हमें 15 को मिल रहा है, तो कैलकुलेशन करके 27 लाख आए। और 8% डिबेंचर जो है तो वो 8% डिबेंचर के लिए हमें 20% प्रीमियम लेना होगा। यहाँ पर हमें प्रीमियम बताया है एडजस्टमेंट में, इशू ऑफ 2,500 8% डिबेंचर ऑफ 100 एच एट 96 पर डिबेंचर है टू रिडीम 6% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो यहाँ पर जो 6% के डिबेंचर थे उसमें प्रीमियम मिला है 20%, मतलब 6% के जो डिबेंचर है उसमें 20% ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000। तो 2,40,000 अमाउंट के लिए कितने डिबेंचर दिए गए हैं, 2,500 डिबेंचर दिए गए हैं, मतलब ओल्ड थे 2,000 डिबेंचर, लेकिन न्यू डिबेंचर कितने मिलेंगे हमें 2,500 मिलेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे 96 पर डिबेंचर मिलेंगे। तो हमें डिस्चार्ज साइड में यहाँ पर हमने ये 20% अमाउंट निकाल के दिखाई है कि कैसे आती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला है, जो डिबेंचर्स है वो कितने मिले हैं 2,500 डिबेंचर्स मिले हैं। 2,500 डिबेंचर्स एट 8% डिबेंचर्स है एट 96, मतलब इनटू क्या करना है हमें 96। तो ये अमाउंट और जो 20% ऐड करके अमाउंट आती है वो अमाउंट दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। तो 2,500 इंटू 96 किया तो वो भी कितनी आई है 2,40,000। और आपने 2 लाख के जो डिबेंचर है उसमें 20% प्रीमियम ऐड कर दिया तो वो भी कितनी आएगी 2,40,000। तो यहाँ पर 2,40,000 के क्या मिले हैं, डिबेंचर मिले हैं। तो इनके हम टोटल कर देंगे, तो इनकी टोटल जो है यहाँ पर पीसी डायरेक्टली दिया है तो ये टोटल जो है वही परचेस कंसिडरेशन है 32,40,000। हमारी परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट आई है 32,40,000। ये हम डिस्चार्ज साइड के अमाउंट जो है वो यहाँ पर नेट एसेट साइड में भी लिख देंगे। अभी इसमें से हम ये 28,24,400 जो है वो माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो गुडविल है। तो गुडविल आया है 4,15,600। तो ये गुडविल की अमाउंट आई है। तो इस तरह से हमने पहले पीसी का स्टेटमेंट तैयार किया। अभी अकाउंट ड्रॉ करने हैं, तो अकाउंट के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, देन न्यू कंपनी का अकाउंट,
कैश अकाउंट, न्यू कंपनी का फ्यूचर अकाउंट है, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट, इक्विटी शेयर्स का अकाउंट, या आप नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली शेयर शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे तो भी चलेगा। कैश अकाउंट हमने निकाला है और इक्विटी शेयर होल्डर का, इस तरह से हमें अकाउंट ड्रॉ करने होंगे। अभी हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग के लिए हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट की जो एसेट्स होती है वो सभी एसेट्स, ये फिगर्स यही लेनी है, गुडविल 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख 80,000, स्टॉक 3,36,000, देन कंसोलिडेटेड 72,000, कैश इन हैंड 12,000 एंड कैश एट बैंक 1 लाख। ये सभी हम पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने ये सभी अमाउंट लिख दी, टू सन्ड्री एसेट गुडविल 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000, स्टॉक 3,36,000, कंसोलिडेटेड 72,000, कैश इन एंड 12,000, कैश एट बैंक 1 लाख। इस तरह से बैलेंस शीट के एसेट साइड पोस्टिंग हो गई। अभी लायबिलिटी साइड देखिए, जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में हमें कैपिटल दिया गया है, तो ऑथराइज कैपिटल कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं होगा, उसके आप कहीं पर भी पोस्टिंग मत कीजिए। जो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है वहां से हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 12 लाख का, जनरल रिजर्व है 3,40,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 2,20,000। ये तीनों जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, जनरल रिजर्व 3,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,20,000। अभी नेक्स्ट है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर के लिए हमने डिबेंचर होल्डर का अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो हम डिबेंचर्स जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं। तो डिबेंचर्स की अमाउंट है लाइबिलिटी साइड में 2 लाख की, तो ये हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट में डालेंगे 2 लाख रुपीज। डिबेंचर होल्डर का हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखिए 22% डिबेंचर 2 लाख, यहाँ पर हमने पोस्टिंग किए। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो वो हम डालेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी टेक ओवर हुई है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 22 लाख सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000। इस तरह से हमने पहले सभी बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर ली। अभी हम पीसी की एंट्री करेंगे, मतलब परचेस कंसिडरेशन की। तो परचेस कंसिडरेशन है 32,40,000, तो ये हम लिखेंगे न्यू कंपनी के डेबिट में, मतलब फिरोज लिमिटेड के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,40,000, और उसका सेकंड इफेक्ट देंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखिए बाय फिरोज लिमिटेड 32,40,000 परचेस कंसिडरेशन। ये फर्स्ट एंट्री हुई परचेस कंसिडरेशन ड्यू की। अभी परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हुआ है, तो कैश में है, 3 लाख, इक्विटी शेयर्स में 27 लाख एंड डिबेंचर में 2,40,000। तो न्यू कंपनी मतलब फिरोज लिमिटेड के क्रेडिट में हम लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्विटी शेयर्स इन फिरोज लिमिटेड 27 लाख, बाय बैंक अकाउंट 3 लाख, बाय 8% डिबेंचर तो 2,40,000। इस तरह से हम सेकंड इफेक्ट देंगे उसका, इक्विटी शेयर्स का जो अकाउंट निकाला है वहां पर, या फिर आप डायरेक्टली शेयर होल्डर के डेबिट में भी लिख सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के अकाउंट के डेबिट में टू फिरोज लिमिटेड 27 लाख, बैंक या फिर कैश के डेबिट में टू फिरोज लिमिटेड 3 लाख, एंड जो डिबेंचर का अकाउंट है यहाँ पर डिबेंचर होल्डर का, उसके डेबिट में टू 8% डिबेंचर इन फिरोज लिमिटेड 2,40,000। इस तरह से हमने फिरोज सॉरी परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज की एंट्री की। पहला इफेक्ट हमने न्यू कंपनी के क्रेडिट में दिया, सेकंड इफेक्ट हमने इक्विटी शेयर्स के डेबिट में, डिबेंचर के डेबिट में एंड कैश के डेबिट में दिया। अभी हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट पीसी की थी वो हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट एसेट्स की थी वो भी हो गई, हमने वो सभी एसेट जो है वो परचेस कंसिडरेशन में ले ली थी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकंड एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हुई है। अभी थर्ड एडजस्टमेंट है वो रह गई है। थर्ड एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 10,000। तो उसका पहला इफेक्ट दीजिए रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन 10,000, और सेकंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में जाएगा, बैंक के क्रेडिट में सेकंड इफेक्ट या फिर कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। अभी हमारी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है, तो अकाउंट क्लोज करना है। तो एक्स्ट्रा के जो अकाउंट होते हैं वो पहले क्लोज होते हैं। तो एक्स्ट्रा में हमने कौन कौन से अकाउंट निकाले हैं, एक्स्ट्रा में हमने निकाला है ये डिबेंचर होल्डर का अकाउंट, तो ये क्लोज कीजिए। इसकी डेबिट है 240, क्रेडिट है 2 लाख, तो डेबिट की टोटल बड़ी है 240, 240 दोनों साइड में लिखिए, और इसका जो बैलेंस है 40,000 का
वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है 40,000, यहाँ पर क्रेडिट में आई है तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखिए टू डिबेंचर 6% डिबेंचर 40,000। अभी हम जो इक्विटी शेयर्स का अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। हीरोज लिमिटेड का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी टैली हो गए हैं 32,40,000 को। नेक्स्ट हम इक्विटी शेयर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। इक्विटी शेयर्स की क्रेडिट में बाय शेयर होल्डर्स अकाउंट 27 लाख, और शेयर होल्डर्स के डेबिट में उसका इफेक्ट देंगे टू इक्विटी शेयर्स इन हीरोज लिमिटेड 27 लाख, सॉरी हाँ 27 लाख। तो अभी ये अकाउंट जो एक्स्ट्रा के थे वो क्लोज हो गए। अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कौन सी बड़ी है वो देखना है। तो क्रेडिट की टोटल है 32,80,000, डेबिट उससे कम है तो हमने डिफरेंस निकाला। जो डिफरेंस है टोटल करके वो डिफरेंस आया है 12,30,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 12,30,000, ये प्रॉफिट जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,30,000। अभी इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज कीजिए 29,90,000, डेबिट को लिखिए 29,90,000, उसमें से डेबिट की 27 लाख माइनस करके बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट को जाएगी 2,90,000। सेकंड इफेक्ट बैंक या फिर कैश जो भी अकाउंट होगा आपके पास वहां पर जाएगी। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के या फिर बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2,90,000, और कैश अकाउंट हमारा टैली हो रहा है 3 लाख को। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस था इसीलिए वो स्ट्राइक करके मतलब रिमूव करके दूसरी अमाउंट लिखी है 2,90,000, यहाँ पर 3 लाख को बैंक अकाउंट के हुआ है टैली हुआ है। तो इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन का लेजर अकाउंट का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन आप किसी का स्टेटमेंट देखिए और प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम है। देन ये पीसी का स्टेटमेंट है, ये हमारे लेजर अकाउंट है। अभी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, वो सभी जर्नल एंट्रीज जो होती है वो हमारी पीसी के स्टेटमेंट के ऊपर से होती है। ये लेजर है। अभी जर्नल एंट्रीज हमें फिरोज के बुक में निकालनी है। तो फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेसेस अकाउंट डेबिट 32,40,000 टू लिक्विडेटर ऑफ प्रिजम लिमिटेड 32,40,000 बीइंग अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन पेएबल। सेकंड एंट्री होती है जो एडजस्टमेंट के अनुसार एसेट्स है या फिर पीसी के स्टेटमेंट में एसेट है उनको डेबिट देना है, लायबिलिटी को क्रेडिट देना है। तो हमने यहाँ पर जो एसेट्स है उनको डेबिट दिया पीसी के अनुसार, परचेस कंसिडरेशन के अनुसार लायबिलिटीज को क्रेडिट दिया। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 12 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,84,000। यहाँ पर डेटर्स की पूरी अमाउंट ली है, लेकिन आप 68,400 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आरडीडी क्रेडिट में दिखाई है। तो आप अगर आरडीडी क्रेडिट में नहीं दिखाना चाहेंगे तो 68,400 इस तरह से मतलब आरडीडी माइनस करके अमाउंट ले सकते हैं। कैश इन हैंड अकाउंट 12,000, कैश एट बैंक अकाउंट 1 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 4,15,600 टू बिजनेस परचेसेस अकाउंट 32,40,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 टू आरडीडी अकाउंट 3,600। अगर आप आरडीडी ऐसे क्रेडिट में नहीं दिखाना चाहेंगे तो डेटर्स में से लेस करके डायरेक्टली दिखा सकते हैं। बीइंग एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बाय फिरोज लिमिटेड या फिर एसेट्स टेकन इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट एंट्री पीसी डिस्चार्ज की है, तो यहाँ पर हम लिक्विडेटर ऑफ निजम लिमिटेड को डेबिट देंगे 32,40,000 का। जो डिस्काउंट है इश्यू ऑफ डिबेंचर का वो 10,000 लेंगे क्योंकि 2,2500 डिबेंचर थे, 100 का डिबेंचर 96 को दिया था। तो जो ऊपर का जो प्रीमियम है सॉरी डिस्काउंट है वो यहाँ पर आया है 10,000, 2,500 इंटू 4 करके ये निकाला है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख, तो आप बोलेंगे वहां पर तो 27 लाख था, यहाँ पर 18 लाख क्यों आया? क्योंकि 10 रुपीज का शेयर 15 को दिया था, तो 10 रुपीज के अनुसार 18 लाख होते हैं। ऊपर का जो 5 रुपीज से है वो प्रीमियम में जाएगा। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट 9 लाख, टू 8% डिबेंचर अकाउंट 2,50,000, यहाँ पर अभी 100 से लेंगे हम पूरी अमाउंट लेंगे 2,50,000, तो बैंक अकाउंट 3 लाख। इस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की।
तो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं लिक्विडेशन का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हुआ है, ये हमारी जर्नल एंट्री है। थैंक यू।